स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका वेस्टिक यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट अंकुश राज मायम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूकिल टोटल सिक्योरिटी के हर एक सेटिंग के बारे में जानेंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन से हो, प्राइवेसी हो, परफॉर्मेंस हो, मेटा प्रोडक्ट एंड मोर। तो ये सारे के बारे में आज जानेंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन था कमेंट में वो सब के बारे में भी बता दूंगा मैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, मैं इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो पॉज ऑन पॉज अगर होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा क्यूकेल का इंटरफेस है और लेटेस्ट अपडेट वाला है, ठीक है। और अभी तक ये मैंने पिछले सारे वीडियो में जो भी मैंने बताया है, सारा में अभी तक यही इंटरफेस रहा है। दो तीन वीडियो मेरा जो पीछे वाले हैं उसमें अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। और ये वीडियो हो सकता है मे बी 2 या 3 पार्ट में बने, पर आप देख लेना आपको कौन सा डेंस लगता है वीडियो देखने के लिए, वो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं सारा वीडियो का लिंक दे दूंगा सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी मैं यहाँ पे लाइसेंस दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा दोस्त का है, लेटेस्ट वर्जन है अभी क्यूकेल का, तो ये वर्जन 24 है, ठीक है, एंड 15.1.03 एंड 64 बिट का है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी वो कर दे रहा हूँ ब्लर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की दिख रहा है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे के सेटिंग में। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसका क्यूकेल का लाइसेंस एग्रीमेंट है। तो इसको अभी रहने देते हैं, फिर सेटिंग पे जाते हैं। फिर यहाँ पे एक ऐप अपडेट का ऑप्शन है, तो इसको आपको ऑन रखना है हमेशा। और अगर आपने एंटीवायरस रखा है तो आपको तो हमेशा ऑन रखना है। और यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन ये रखना है। और मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, एक पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ऑफ कर सकते हो आप या ऑन कर सकते हो, वो आपके डिपेंड है पूरी तरह से, ठीक है। यानी कि आपको पासवर्ड लगाना है या नहीं लगाना है वो आपके डिपेंड है। अभी हम लोग चलते हैं व्यू क्वारंटाइन, और यहाँ पे जितना भी क्वारंटाइन फाइल है, जैसे कोरोना क्वारंटीन था वैसे ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि एज आपने कभी पॉपअप मैसेज देखा होगा, अगर अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है। तो अगर आप अलाउ करते हैं तो वो तो खैर आपको क्वारंटीन फाइल में नहीं आएगा, वो सिस्टम में ही रहता है। अगर आपने डिसअलाउ कर दिया या रिमूव कर दिया तो वो क्वारंटीन फाइल में आ जाता है। सिक्योरिटी पर्पस रिलेटेड इशू होता है जो कि इसमें सेव हो जाता है। अगर हाई लेवल का वायरस या मालवेयर अगर आपके पीसी में पाया जाएगा तो ऑटोमेटिक ही क्यूकिल रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर सकते हो कौन सा क्वारंटीन फाइल आपको लेना है या नहीं लेना है, फोल्डर आप ऐड कर सकते हो ऐड बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख लो, कोई भी फोल्डर आप ऐड कर लो, फिर आप रिस्टोर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और सबमिट फॉर एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेटिंग पे। हमारा एडवांस सेटिंग है, एक है क्रिएट इमेज डिस्क और एक है इंटरनेट सेटिंग। और क्रिएट इमेज डिस्क शायद मुझे पता नहीं है, पर सॉरी क्रिएट इमरजेंसी डिस्क है। तो इसमें हो सकता है कि अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो पेन ड्राइव ये सब में, तो आप उसमें ले सकते हो, उसके लिए वो होगा सेटिंग। और यहाँ पे आप चलते हैं इंटरनेट सेटिंग पे। तो आप यहाँ पे कस्टम सर्वर नेम, पोर्ट नेम और यूजर नेम दे सकते हो, एडिट के जो पेन वाला आइकन है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देता हूँ। आप सेटिंग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका डिफॉल्ट सेटिंग है तब तो आप रहने दो, डिफॉल्ट सेटिंग हमेशा डिफॉल्ट सेटिंग ही पे ही रहेगा। अगर बाय द वे कभी आपने सेटिंग को कस्टमाइज किया है तो आप इंपोर्ट कर लेना, और बाद में जब क्यूकेल अपडेट करोगे या अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करोगे तो आप एक काम करना, उसको इंपोर्ट सेटिंग कर लेना, ठीक है। पहले एक्सपोर्ट कर लेना, उसके बाद इंपोर्ट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्शन पे। कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि डिवाइस सिक्योरिटी हो गया, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन हो गया, एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन हो गया, ईमेल प्रोटेक्शन हो गया, Wi-Fi/इंटरनेट प्रोटेक्शन एंड सेफ बैंकिंग, ठीक है। तो इन सारे के बारे में जानेंगे। जो मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट जो हमारा रहेगा डिवाइस सिक्योरिटी। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने कई सारे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, एज अ वेबकैम कभी नहीं खुलता है, कभी कभी ब्राउजर के बॉर्डर पे वो येल्लो लाइन आता है, तो ये सारा प्रॉब्लम सेटिंग में सॉल्व हो जाएगा प्रोटेक्शन वाले सेटिंग में। तो अभी चलते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं इसका प्रोटेक्शन को। यहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी में आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन आ रहा है, ऑल स्कैन, रेजनवेयर प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन एंड मालवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। सारे के बारे में जानते हैं। ऑल स्कैन में आप तो जानते ही होंगे, सारा जो पहले वाला जो फीचर है मेरा वीडियो में वो सारा है इसमें। और मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि वायरस को कैसे आप डिजेबल कर सकते हो, वायरस स्कैन को। तो उसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं जानता हूँ गुड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी कोई फाइल अगर हम लोग को इंस्टॉल करना होता है पीसी में तो वो क्यूकेल इंस्टॉल नहीं करने देता है, जबकि वो वायरस नहीं रहता। एज जैसे कि
आप कभी माइनिंग किए होंगे पीसी में या लैपटॉप में, तो वो जो है क्विकल इंस्टॉल ही नहीं करने देगा उसको, कई सारे फाइल्स को जो भी माइनिंग से रिलेटेड रहता है, क्योंकि वो माइनिंग में क्या होता है कि 100% सीपीयू यूज होता है और ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है, तो वो क्विकल एंटीवायरस जो है वो सोचता है कि ये वायरस है, बट ये वायरस नहीं रहता है, ठीक है। और ये सही भी है, कई सारे माइनिंग सॉफ्टवेयर में वायरस भी आते हैं, तो ये हमको ऑफ करना पड़ता है कभी कभी, या कस्टम कभी सेटिंग करते हैं तो उस समय ऑफ करना पड़ सकता है। और एक एक समय और ऑफ करना पड़ता है, वो सबको पता है, जब आप करप्टेड फाइल को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में या लैपटॉप में। तो खैर वो बात की बात है, तो आगे चलते हैं सेटिंग की। सबसे पहले मेरा ऑल स्कैन, ठीक है, तो इस पे जाते हैं ऑल स्कैन, तो यहाँ पे आप सारा सेटिंग देख सकते हो। यहाँ पे है क्यूक स्कैन, फुल डिवाइस स्कैन, मेमोरी स्कैन, वर्नेबिलिटी स्कैन, एंटी मालवेयर स्कैन, और अदर स्कैन में आ जाता है कस्टम स्कैन, बूट टाइम स्कैन और मोबाइल स्कैन। तो सारे के बारे में जानते हैं हम धीरे धीरे। तो क्यूक स्कैन के बारे में जाने, तो क्यूक स्कैन आप जानते ही होंगे वो हर समय हो जाता है, और एज अ क्यूक हिल टोटल सिक्योरिटी के डैशबोर्ड में सबसे पहले क्यूक स्कैन का ही ऑप्शन रहता है। तो अभी मैं आपको एक रन करके दिखा दे रहा हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा है जो नए यूजर, तो इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस रहता है। अभी मैं पॉज करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर स्कैन करने बैठा तो काफी टाइम मर जाएगा इसी में, तो इसलिए अभी मैं पॉज कर दूंगा और आगे बढ़। उससे पहले है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन है, इस पे सारा नोटिफिकेशन और अलर्ट आपको दिखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ, पॉज करता हूँ, हालांकि ये पॉज नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, ये क्या मैसेज आ रहा है यार, अरे हट जा। चलो तो मैं बैक ले लेता हूँ, ठीक है। इसको आपके साथ भी जब कभी भी ये प्रॉब्लम हो कि अगर ये पॉज नहीं हो रहा हो और स्टार्ट नहीं हो रहा हो, तो आप किसी अनदर सेक्शन पे जाने का कोशिश करना, वहाँ पे आपको ये स्टॉप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉप स्कैनिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर यस क्लिक कर दे रहा हूँ अभी, तो ये कैंसलिंग स्कैन लिख रहा है। पता नहीं मेरे दोस्त के पीसी में पता नहीं ये क्यों काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, बट खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। रेजोन वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एज अ एक्सक्लूड फाइल एंड फोल्डर को भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि कई सारे फाइल्स में या कई सारे फोल्डर्स जो होते हैं उसमें कई सारे फाइल्स जो होते हैं वो एज अ, मान लो कि आप क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर को यूज किया होगा, तो उसमें कई सारे फाइल्स को आप एज अ रजिस्टर यूज करना पड़ता है रजिस्टर की, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार क्यूकेल ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा और उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो उस समय हमको उसको एक्सक्लूड फाइल्स या फोल्डर में ऐड करना पड़ता है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, वो आपको क्वारंटीन फाइल या फोल्डर में नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाथ दे सकते हो ऐड फाइल करके, और अपना जो फाइल्स है वो चूज कर सकते हो, ठीक है, अवॉइड फोल्डर भी कर सकते हो आप, वो अगली बार से स्कैन नहीं हो गए। तो अभी हम कैंसिल करते हैं और फिर उसके बाद सेव कर लेना, तो मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। वायरस प्रोटेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन होता है एज अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में, तो इस पे चलते हैं वायरस प्रोटेक्शन पे। तो वायरस प्रोटेक्शन में यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा टोगल की का, तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर मैं वहाँ पे क्लिक कर, देखना क्या होगा, तो मैसेज आता है मेरे पास, डिजेबल वायरस प्रोटेक्शन, डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड। तो आपको अगर वायरस प्रोटेक्शन को ऑफ करना है कुछ समय के लिए परमानेंटली, तो आप यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो पे क्लिक करना। तो मैं अभी यस पे क्लिक कर, कई सारे ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएंगे जिसमें आपसे पूछेगा कि कितने समय के लिए आप ऑफ करना चाहते हो, एज अ 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर एंड नेक्स्ट रिबूट के लिए एंड परमानेंटली डिसेबल। तो मैं अभी परमानेंटली डिजेबल करके दिखाता हूँ और इसके बाद मैं ऑन कर लूँगा, ठीक है, ये एज अ एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। हालांकि वायरस को कभी भी ऑफ नहीं करना चाहिए, तो मैं ये एज एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है जब आप कस्टम इंस्टॉलेशन करते होंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा परमानेंटली डिजेबल वाले ऑप्शन पे एंड ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस पॉपअप मैसेज आएगा विंडो सिक्योरिटी की तरफ से कि टर्न ऑन वायरस प्रोटेक्शन, मतलब आपको टर्न ऑन करना है, अभी ये टर्न ऑफ हो गया, ठीक है, तो मैं अभी टर्न ऑन कर दूंगा, बाद में इसको डिसमिस करते हैं। मालवेयर प्रोटेक्शन, इसको भी मैं ऑफ करूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए, फिर उसके बाद मैं ऑन कर दूंगा। और रेजोन वेयर, इसको भी मैं ऑफ करूंगा अभी फिलहाल, और फिर मैं बताऊंगा कि कभी भी प्रॉब्लम अगर क्यूकिल टोटल सिक्योरिटी में होगा तो आपको स्टेटस में आपको दिख जाएगा कि क्या प्रॉब्लम, तो मैं वहां से रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस में लिख रहा है यू आर वल्नरेबल टू ट्रेड, ठीक है, तो रिजॉल्व नाउ पे क्लिक कर दूंगा, नहीं ले रहा है ये, रिजॉल्व नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर भी नहीं ले रहा है। चलो ये अलर्ट फिर से आ रहा है ऑप्शन, एक बार और कोशिश करता हूँ रिजॉल्व नाउ पे, हाँ नाउ, तो यहाँ पे हो गया है रिजॉल्व। तो यहाँ पे एक मैसेज आया था एक्सेलेंट का, तो आपका सही हो गया, आप
तो अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारा ऑन हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। तो जब कभी भी आपको गलती से भी ऑफ हो जाए, अभी कभी भी आपका वायरस प्रोटेक्शन या मालवेयर, तो इस तरह से आप रिजॉल्व करके ऑन कर सकते हो विदाउट मैन्युअली क्लिकिंग ऑन एनी बटन, ठीक है।